हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज मैं एक प्लगइन जो अपना मिस्टर लैपिस की वीडियो में था उसी का सिमिलर प्लगइन मैं बताने वाला हूँ और आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आपने ये वीडियो देख ली होगी तो इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है कि मॉब एसएमपी प्लगइन। तो मॉब एसएमपी प्लगइन का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ एंड तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एड्रेस पे ही ये प्लगइन ईजीली आप कर सकते हो अपना एक्टिवेट। तो मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एड्रेस का वो है 1.20.4 जो कि ये रहा। एंड जो प्लगइन का नेम है वो है अपना ये, ठीक है, मॉर्फ। जैसे ही आप एड्रेस पर डालेंगे अपना जाकर, इसके साथ साथ तो कुछ और भी प्लगइन्स डालने रहेंगे। तो अपना ये हो गया और यहाँ पे ऐसे ही आप चाहेंगे एक बार आप जस्ट कंफर्म कर लेना। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट एड्रेस सर्वर यहाँ का लिंक दे दूंगा आपको, जिससे आप एक झटके में ही डाउनलोड कर सकें। बट अगर नहीं आपको वैसे सर्च करना है तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो ये अपना ये प्लगइन हो गया। सेकेंडली अपनों को डिपेंडेंसी कुछ और भी प्लगइन्स डाउनलोड करने रहेंगे। तो दिस प्लगइन रिक्वायर्ड अपना ये लिब्स वाला हो गया और एक प्रोटोकॉल लिब का, ठीक है। तो अभी ये प्लगइन भी कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट सर्च करेंगे। तो सर्च करने पे रिजल्ट नहीं आएगा, इसका भी थोड़ा सा वो ट्रिक है। यहाँ पे ऐसे करके वो हटा देना है और ये जो थर्ड वाला है यहाँ पर आकर ये जो फ्री वाला चीज़ है ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सेकंड प्लगइन ही हो गया और थर्ड प्लगइन अपना प्रोटोकॉल लिब, इसे कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये तीनों प्लगइन मैंने डाउनलोड कर रखे हैं तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, जस्ट आपको दिखा दूँगा फाइल सेक्शन के अंदर और अपना प्लगइन्स वाले इसमें। और ये दरअसल मेरे प्लगइन्स से डले हुए हैं, ठीक है। और ये विया वर्जन विया बैकवर्ड जो कि सर्वर कम लो वाले प्लेयर ज्वाइन हो सके, इस वजह से मैंने वो ऐड कर रखा है। बाकी ये तीन प्लगइन ये है, ठीक है। अब मैं अपना सर्वर स्टार्ट करके आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें वर्क करेंगी। बस उन्होंने थोड़ा सा अपनी साइड से कस्टमाइजेशन कर रखा है जो कि आप इजीली यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे जैसी ही कोई अवतार क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लाइक ये जो प्लगइन है आप कोई से भी मॉब में ट्रांसफर हो सकते हो और साथ ही साथ जो आप मॉब को किल करोगे उसकी एबिलिटी भी यूज़ कर सकते हो जो कि अपना लैपिस वाई ने यूज़ किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो इस प्लगइन से। हो सकता है कि इन्होंने यही प्लगइन यूज़ करा हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा अलग प्लगइन यूज़ करा हो, लेकिन जो ज़्यादातर जो इसका मिला है कि हो सकता है कि इन्होंने यही प्लगइन यूज़ करा हो, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। बिकॉज इनके वीडियो के अंदर जब ये करेक्टर चेंज कर रहे थे तो एक इंटरफेस आ रहा था, हो सकता है कि इन्होंने एक कस्टमाइज इंटरफेस बनवाया हो जो कि ज़्यादा मेहनत का काम होता नहीं है वैसा। अब ये अपना सर्वर भी चालू हो रहा है। हमारा सर्वर भी चालू हो चुका है और अभी हम गेम के अंदर चले जाते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो से रिलेटेड पूछना हो कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म या फिर कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके और भी चीज़ें जान सकते हैं और मेरी जो बाकी की वीडियोज़ होती हैं प्लगइन से रिलेटेड वो भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये सर्वर ज्वाइन हो रहा है और ऑलरेडी मैंने एक अवतार एक्टिवेट कर रखा था तो जो अभी साउंड आया वो उसी का आया है, ठीक है। तो अभी ज्वाइनिंग हो रहा है एड्रेस में, थोड़ा सा ज्वाइन होने में समय लगता ही है और मैंने जो अवतार एक्टिवेट कर रखा था वह था ये, ठीक है। अभी मैं रीसेट कर लेता हूँ MOR, ठीक है, ऐसे एंटर करें। और ये जो साउंड है ना ये इतना भयंकर जो साउंड आ रहा है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ आप इसे कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसे ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल्स के अंदर आकर प्लगइन्स वाले सेक्शन में और फिर यहाँ पे अपना जो मॉर्फी है, हो सकता है कि मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। कॉन्फिग के अंदर आप साउंड ऑफ कर सकते हैं और जो अपना मैसेज डॉट वाई मेल है उसमें जैसे ये मैसेज आ रहे हैं हो सकता है कि उन्होंने अपना मैसेज वाला सेक्शन ही डिसेबल कर रखा हो तो उस वजह से वो हम लोगों को मैसेज वीडियो के अंदर दिखे नहीं। अब जैसे ये साउंड हो गया, इसे फॉल्स करना और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं प्लगइन को। अरे यार मैं इतना, हाँ तो ये हो गया और इसे कॉपी करके यहाँ पे हो गया, मतलब आप सारी जगह करके और फिर रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। टू मोर रिलोड एल ओ ए डी, ठीक है, रिलोड हो चुका है। अभी कोई और अपने चुन लेते हैं, कौन सा चुने, लेट्स सी अपनी ही ऑलरेडी, ठीक है। अभी इफेक्ट वाला साउंड नहीं हटा तो इफेक्ट वाला भी हटा दूंगा मैं। तो ये अपना चिकन हो गया और चिकन बड़ा इसकी भी पावर है, एबिलिटी है, हर एक प्राणी की एबिलिटी इसके अंदर मिलेगी आप, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया और कोई और से भी आप
कोई सा भी एनिमल आप चुन सकते हो, और साथ ही साथ जो आप मारोगे एनिमल और आप अपने सर्वर में किसी और को परमिशन देना चाहो वो भी आप इस प्लगइन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही था मेरा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अरे मैं मर गया भाई। और हाँ, मरने के बाद अपना नॉर्मल वाले उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते जो कि उसके अंदर भी था। तो काओ के 5 हार्ट होते हैं। अगर किसी को सीखना हो कि किसके कितने हार्ट होते हैं तो आप इजीली वैसे देख भी सकते हैं। और इसकी एबिलिटी क्या होगी यार, भाई सॉरी गलती हुई भाई। अरे यार, मैंने डेटा रिलोड तो करा और फिर उसके बाद अलग क्लीन हो गया। ठीक है दोस्तों यही था मेरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी किसी यूट्यूबर का प्लगइन्स का पूछना हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।